और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चेक बाउंस। चेक बाउंस क्या होता है जनरली सबको मालूम होता है, बट अगर चेक बाउंस या डिसऑनर हो जाए उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कितने दिनों के अंदर एक्शन लेना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक आप जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं एंड में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करें जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं चेक बाउंस की। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या रिटेलर हैं तो आपकी जो जनरल ट्रांजैक्शंस हैं वो चेक के थ्रू ही होती होंगी, बट अगर वो चेक बाउंस हो जाए, डिसऑनर या रिजेक्ट हो जाए, उस केस में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस दिन आपको चेक इशू हुआ है, ड्रॉवर ने जिस दिन वो आपको चेक दिया है, उससे 3 महीने के अंदर आपको वो चेक बैंक में डिपॉजिट करना है। ये मैंडेटरी है कि आपको 3 महीने के अंदर चेक डिपॉजिट करना है, अदरवाइज वो चेक एक्सपायर हो जाएगा। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है देन आप क्या करेंगे? जब चेक बाउंस होता है तो बैंक 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक मेमो सेंड करती है। उस मेमो में लिखा होता है कि किस ग्राउंड पर, किस रीज़न की वजह से आपका वो चेक डिसऑनर या रिजेक्ट किया गया है। तो आपको क्या करना है, आप याद रखिए 30 डेज का रूल। तो बताते हैं आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, जिस दिन से आपको मेमो रिसीव हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको ड्रॉवर को, यानी कि जिस पर्सन ने आपको चेक दिया है, उनको एक लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, आप उस लीगल नोटिस में मेंशन करेंगे कि किस ग्राउंड्स पर वो चेक आपका डिसऑनर हुआ है, और आप उसमें मेंशन करेंगे कि किस डेट तक वो आपको आपका मनी वापस कर दे। 15 दिन के आप उन्हें टाइम देंगे कि 15 दिन के अंदर वो दूसरे मीडियम से आपका पेमेंट आपको कर दे। अगर वो 15 दिन के अंदर भी आपको पेमेंट नहीं करते हैं तो 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, यानी कि 16th डे से आप कभी भी 30 दिन के अंदर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अपना ये एक क्रिमिनल केस होता है, उस कंप्लेंट को आप रिस्पेक्टेड कोर्ट में ही रजिस्टर करेंगे। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट हो सकता है या मेट्रोपोलिटन कोर्ट हो सकता है, वहाँ पर आपका केस रजिस्टर होगा। ये है प्रोसीजर 30, 15 या 30 डेज का रूल, ये आपको याद रखना है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने होंगे, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने एप्लीकेशन में डालने हैं, वो है पहला चेक, ओरिजिनल चेक की कॉपी, वो आपको उसमें अटैच करनी है। दूसरा आपको अटैच करना है जो आपने उन्हें बैंक से आपको जो मेमो रिसीव हुआ है उसमें रीज़न लिखा था किस ग्राउंड पर वो आपका रिजेक्ट हुआ है, वो आपको उसमें मेंशन करना है मेमो। तीसरा आपको उसमें अटैच करना है जो आपने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था, डिमांड नोटिस भेजा था, उसकी आपको एक कॉपी इसमें अटैच करनी है। चौथा आपको पोस्टल इनवॉइस, पोस्टल रिसिप्ट, जो आपकी उनको वो नोटिस रिसीव हो गया है उसको आपको उसमें अटैच करना है। ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं जो अपनी आप कंप्लेंट में अटैच करेंगे। बात करते हैं पनिशमेंट की कि क्या क्या पनिशमेंट इसमें कोर्ट ड्रॉवर को दे सकती है। पहला हो सकता है कि उनको 2 साल तक की जेल हो जाए, या फिर आपको अपने चेक का हो सकता है डबल अमाउंट तक आपको कोर्ट दे सके। ये हो गया आपके राइट्स, अगर चेक आपका डिसऑनर होता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या होता है। अब मैं जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाली थी वो बताती हूँ। मान लीजिए जो ड्रॉवर है, यानी कि जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया, केस फाइल किया था, अगर वो अपील कर दे, अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो उस सिचुएशन में भी आपके लिए राइट है। अपीलेट कोर्ट ये उन्हें कहती है कि कम से कम 20% जो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अमाउंट देने को कहा था, कंपनसेशन अमाउंट जो उन्हें देने के लिए कहा था, उसका 20% वो आपको पहले पे करे। जब वो आपको 20% उस अमाउंट का पे कर देंगे, मिनिमम 20%, मैक्सिमम जितना कोर्ट चाहे वो आपको पे कर देंगे, उसके बाद ही वो अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में। तो ये पूरा हो गया प्रोसीजर चेक बाउंस का। आई होप आपको इससे वीडियो क्लियर हो गया हो, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी लीगल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग भी ऐसे केसेस देखते हैं, हमने काफ़ी ऐसे केसेस सॉल्व किए हुए हैं। आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट करके फ्री कंसल्टेशन एक्सपर्ट एडवाइस आप इसमें ले सकते हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।